हेलो दोस्तों, पार्ट नंबर 5 में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये पार्ट नंबर 5 है और देन इसके बाद एक पार्ट और बनेगा, पार्ट नंबर 6, जिसमें हम ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार बाजार के बारे में बात करेंगे और फिर चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर हो गया? अभी हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 5 की, बाजार के रूप यानी फॉर्म्स ऑफ मार्केट। और जो हमारे पास जो बाजार है वो है एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार, जिसको इंग्लिश में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट भी कहते हैं। क्या होता है? एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। इसने कहा एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार बाजार की वह अवस्था है जिसमें उद्योग में बहुत फर्में पाई जाती है। यानी ये बाजार की वो अवस्था है जिसमें उद्योग में बहुत फर्में पाई जाती है, ठीक है, अर्थात जिसमें वस्तु के बहुत से क्रेता खरीदने वाले तथा बहुत से क्या मिलेंगे, विक्रेता पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत एक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता की वस्तु से क्या होती है, भिन्न होती है यानी अलग होती है। तथा इस बाजार में निकटतम प्रतिस्थापन जो वस्तुएं होती है यानी जो स्थानापन जो वस्तुएं होती है वो उपलब्ध होती है। ऐसे बाजार को एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत ज्यादा विक्रेता और बहुत ज्यादा क्रेता थे, वो तो अपन पढ़ा ही था उसके बाद। फिर एकाधिकार आया जिसमें सिर्फ एक ही विक्रेता होता है, क्रेता तो अनेक हो सकते हैं। और अब एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार आया जो बोल रहा है कि ये बाजार की वह अवस्था है जिसमें उद्योग में बहुत फर्में पाई जाती है, इसमें भी बहुत ज्यादा फर्में हैं, अर्थात इसमें वस्तु के बहुत से क्रेता और बहुत से विक्रेता आपको पाए जाए मिलेंगे, मतलब ठीक है ना। इसके अंतर्गत एक विक्रेता की वस्तु यानी एक जो बेचने वाले की जो वस्तु है, एक फर्म की वस्तु दूसरे फर्म की वस्तु से यानी दूसरे विक्रेता की वस्तु से भिन्न होती है। इसके अंतर्गत एक विक्रेता की वस्तु दूसरे से भिन्न यानी अलग होती है तथा बाजार में निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु में उपलब्ध होती है। ऐसे बाजार को एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कई बार पेपर में आता है कि एकाधिकार बाजार और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में अंतर क्या होता है, तो ध्यान से समझना। देखो, जहां प्रतियोगिता लगेगा, जहां प्रतियोगिता लगेगा समझ जाना, वो तो भाई मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट है, वो ये वाला है। और जो एकाधिकार बाजार है भाई, उसमें तो एक ही विक्रेता होगा ना, बेचने वाला तो एक है, तो अलग है। कई बार पेपर में एकाधिकारिक बाजार लिखा होता है कि एकाधिकारिक बाजार क्या होता है, एकाधिकारिक बाजार, उसने एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार नहीं बोला, सिर्फ एकाधिकारिक बाजार बोला। तो ध्यान से समझना, जब वो एकाधिकारिक बाजार बोल रहा है, प्रतियोगिता नहीं लगा रहा, तो समझ जाओ ना उसमें एक ही फर्म होगी, चाहे वो एकाधिकारिक लिखे फिर हो चाहे वो एकाधिकार लिखे, वो मैटर नहीं करता। अगर वो एकाधिकार बाजार बोल रहा है, एकाधिकारिक बाजार बोल रहा है, तो दोनों केस में वो एक जिसमें एक ही विक्रेता होता है वाली बात कर रहा है। जब तक वो प्रतियोगिता ना लगाए, अगर मान लो उसने प्रतियोगिता लगा दिया एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार, तो फिर वो ये वाला बाजार है कि प्रतियोगिता भाई साहब दो या दो से ज्यादा के बीच में होती है, भाई कंपटीशन तो ज्यादा के बीच में होगा ना, तो ये वो वाला है। अगर उसने खाली एकाधिकार बाजार बोला तो वो मोनोपोली है, और वो एकाधिकारिक बाजार भी बोलेगा, सिर्फ एकाधिकारिक बाजार बोलेगा तो भी मोनोपोली, जब तक वो प्रतियोगिता नहीं लगा देता तब तक वो मोनोपोलिस्टिक नहीं बनेगा। बात समझ आ गया? प्रतियोगिता लगाने पर ही ये वाला बाजार बनता है, थोड़ा समझना चीज को ना। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार बाजार की वह अवस्था है जिसमें उद्योग में बहुत सी फर्में पाई जाती है, मतलब बहुत सी विक्रेता बहुत से क्रेता यहाँ पे मिलेंगे, और एक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता से भिन्न होगी, साथ साथ निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु भी यहाँ पे उपलब्ध होगी। ऐसे बाजार को एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। ये प्रतियोगिता याद रखना, इसमें प्रतियोगिता लगा हुआ है, ये तो समझ में आ गया। अब एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या। अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में भी बहुत सारे क्रेता विक्रेता थे और इसमें भी बहुत सारे क्रेता विक्रेता, तो कैसे पहचान में आएगा? तो ध्यान से देखो, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक पाई जाती है, मतलब क्रेता विक्रेताओं की अधिक संख्या पाई जाती है। लेकिन यह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से क्या होती है, कम होती है, और एकाधिकार बाजार से क्या होती है, अधिक होती है। बस सिंपल सा आप समझ में आ जाएगा। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या पाई जाती है, यानी बहुत से क्रेता और बहुत से विक्रेता मिलेंगे, लेकिन यह संख्या पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार है उससे कम होगी और एकाधिकार बाजार से क्या होगी, अधिक होगी। क्लियर हो गया पहला पॉइंट?
देन दूसरा आता हमारा वस्तु विभेद, यानी वस्तु अलग अलग होने वाली है। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में एक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता की वस्तु से क्या होती है, भिन्न होती है। ये जो भिन्न यानी जो वस्तु अलग क्यों हो सकती है, रंग के आधार पर हो सकती है, सुगंध के आधार पर हो सकती है, आकार अलग अलग हो सकता है वस्तुओं का, या भार अलग अलग हो सकता है, पैकिंग या पैकेजिंग बोल लो, ठीक है, वो अलग अलग हो सकती है। तो इनके आधार पर क्या है, वस्तुएं अलग अलग हो सकती है। हो सकता है मेरी वस्तुओं का रंग अलग है, आपकी अलग है, मेरी वस्तुओं का भार अलग है, आपकी वस्तुओं का भार अलग है। तो इन चीजों पे क्या होती है, वस्तुएं अलग अलग हो सकती है यहाँ पर, क्लियर। देन कीमत नियंत्रण, एक आधिकारिक प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत सीमित कीमत नियंत्रण होता है। क्या होता है, सीमित कीमत नियंत्रण होता है। इसका मतलब अगर मैं कोई चीज 10 का बेच रहा हूँ तो हो सकता है आप उसको 12 का बेच रहे हो, तो थोड़ा ऊपर कीमत ऊपर नीचे कर सकते हैं। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ऐसा नहीं था, वहां पे एक ही जैसी कीमत होती है। और जो बचा एकाधिकार बाजार, उसमें तो जो मर्जी कीमत रख लो, क्योंकि अकेला बंदा बेचने वाला तो जो मर्जी रख सकता है ना। तो उसने बोला एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर सीमित कीमत नियंत्रण होता है। उसके अलावा इस बाजार में निकटतम प्रतिस्थापन, जिसको हम स्थानापन्न वस्तुएं भी कहते हैं, उपलब्ध होती है। बात को समझो, क्रेता विक्रेताओं की अधिक संख्या मगर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से कम और एकाधिकार बाजार से अधिक। समझ में आ गया। नंबर दो, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार के अंदर वस्तु विभेद पाया जाएगा, यानी एक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता की वस्तु से क्या होगी, अलग होगी। और ये जो अलगपन है या भिन्नता है, ये इसलिए रंग, सुगंध, आकार, भार, पैकिंग आदि के आधार पर हो सकता है, पैकेजिंग आदि के आधार पर हो सकता है, ठीक है। कीमत नियंत्रण, सीमित कीमत नियंत्रण होता है, इसका मतलब कीमत थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, याद रखना है इसमें। उसके अलावा इस बाजार में निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध होती है, यानी स्थानापन वस्तु उपलब्ध होती है। अगर मैं लाइफ बॉय बेच रहा हूँ तो डेटॉल भी मिल जाएगा, निर्मा साबुन मिल जाएगा, जो साबुन मिल जाएगा, जो जो होते हैं सब मिल सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इस बाजार में फर्मों के आने जाने की क्या पाई जाती है, स्वतंत्रता पाई जाती है। यानी कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म जा सकती है, बाजार उद्योग छोड़ के जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्मों के आने जाने की यहाँ पे क्या मिल रही है, स्वतंत्रता देखने को मिल रही है, क्लियर हो गया। उसके अलावा इसके अंतर्गत परिवहन और विज्ञापन लागतें शामिल होती है, यानी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होती है। क्योंकि देखो, वस्तु भी अलग है, कीमत भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, कुछ हद तक। तो उसका मतलब यहाँ पे जो है ना, परिवहन और विज्ञापन लागतें, मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हो ताकि आप अपना गुड्स बेच सको। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वो बाजार था जहाँ पे विज्ञापन लागते करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि भाई एक जैसी वस्तु थी सबके पास, एक जैसी कीमत थी, क्योंकि उद्योग कीमत डिसाइड कर रहा था और फर्में कीमत स्वीकार कर रही थी, इसलिए एक जैसी कीमत प्रचलन में होती थी, तो वहाँ पे विज्ञापन करने की जरूरत नहीं थी। फिर आया था एकाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार में भी एक ही बेचने वाला है, तो उसको भी विज्ञापन करने की क्या जरूरत, वो जो मर्जी दाम पे बेचे उसका, वो उसके तो बल्ले बल्ले वैसे भी ठाट है। मगर ये वाला बाजार वो है जहाँ पे, ये पहला बाजार अभी तक आया है जिसमें आप विज्ञापन कर सकते हो, इसके बाद अल्पाधिकार में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे विज्ञापन देखने को मिलेगी, परिवहन विज्ञापन लागत शामिल होती है, क्लियर हो गया। फटाफट से नोट डाउन करो उसे जितनी जल्दी हो सके, फटाफट से। अब इसका कर्व भी देख लीजिए एक बार, मैं इसे आगे कर देता हूं, ठीक है। इसका कर्व देखिए ध्यान से, इसके कर्व में देखिए, यहाँ पे बिल्कुल इस तरफ मैंने जो रखा हुआ है, मात्रा यानी क्यू रखा हुआ है एक्स एक्स पर, वाई एक्स पर कीमत यानी आगम रखा हुआ है, कीमत बोलो या आगम बोलो यहाँ पे, ठीक है ना, आगम यानी संप्राप्ति, ठीक है ना। ये थोड़ा बाहर को बन रहा है, देखो ये ए आर है, ये एम आर है। अगर आप पिछला कर्व देखोगे तो वो अंदर को बन रहा था, थोड़ा ए आर फिर एम आर, थोड़ा अंदर को था, ये बाहर को है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हमारा इलास्टिसिटी होगी, ठीक है ना, वो क्या होगी हमारी, ग्रेटर देन वन होगी बेटा, क्या होगी, ग्रेटर देन क्या होगी, वन होगी। बात को समझ में आ रही है, यहाँ पे जो हमारी इलास्टिसिटी है वो क्या हमारी, ग्रेटर देन वन होती है। यानी ये क्या होता है, इकाई से अधिक, इकाई से अधिक लोचदार, क्या होगा, इकाई से अधिक लोचदार होता है, ठीक है, जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या बोल सकते हो आप, लोचदार भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, लोचदार। पूर्णतया वाला तो है नहीं बेटा, पूर्णतया वाला तो अलग ही होता है ना। तो यहाँ पे इकाई से अधिक लोचदार बनता है इसका कर्व। अगर आप ध्यान से देखो तो जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार था, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे एक बार हल्का सा वो करवा देता हूँ, देखो ध्यान से, जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार था, पूर्ण वाला, खाली समझ जाओगे शॉर्टकट,
उसमें तो देखो अगर आपका ध्यान हो कर्व ऐसे बना था, और वहां पे आपका जो ईडी था वो था आपका इन्फिनिटी यानी अनंत ऐसे वाला। फिर आया एकाधिकार, ठीक है, यानी मोनोपोली मार्केट। यहाँ पे जो कर्व था वो कुछ इस तरह का अंदर को बने थे, थोड़े अंदर अंदर को, ठीक है ना। और यहाँ पे ईडी जो था वो लेस देन वन था। क्या था? लेस देन, इकाई से कम लोचदार था, इकाई से कम। और जो ये वाला है ये इकाई से अधिक लोचदार है, इसको लोचदार भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब रह गया सिर्फ अल्पाधिकार। क्लियर है ना? ये भी समझ में आ गया होगा। अब से अल्पाधिकार रह गया। अगर मैंने पिछले वाले में अगर यहाँ पे ई एस कर दिया हो ना, कहीं मुझे ध्यान भी नहीं है, मुझे क्या था लास्ट पार्ट मैंने ई एस कर दिया हो, तो उसे ई डी कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर ई एस हो गया हो तो ठीक है, यहाँ पे ई डी आ गया, इलास्टिसिटी और डिमांड बोल रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? क्योंकि जो ए आर कर्व है उसको फर्म का डिमांड कर्व कहते हैं। ए आर कर्व को क्या कहते हैं? फर्म का डिमांड कर्व कहते हैं। तो आप इस तरह से समझ में आ गया हो सब कुछ। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वो एक्स अक्ष के समानांतर बनता है, एक्स अक्ष के समानांतर बन रहा कर्व, और इलास्टिसिटी क्या होती है? पूर्णतया लोचदार। क्या होता है? पूर्णतया लोचदार होती है। जबकि जो एकाधिकार बाजार था उसमें क्या होता है? इकाई से कम लोचदार होता है। और जो एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार है उसमें इकाई से अधिक लोचदार होता है, जिसको हम लोचदार भी कहते हैं खाली। क्लियर हो गया? चलो तो मिलते हैं लास्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।